धनवर्षा के लालच में किया मादा बाघ का शिकार, अंधविश्वास की भेंट चढ़ी एक और निर्मुख मादा बाघ, चार शिकारी गिरफ्तार। बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस का जिले भर में हल्ला बोल, एमपीपी ऑफिस के सामने किया धरना प्रदर्शन। और महिला स्व सहायता समूह ने संयुक्त मोर्चा की हड़ताल को दिया समर्थन, सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम वन मंडल अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में मादा बाघ के शिकार के आरोप में झिरपा मीरकोटा के चार शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बाघ की खाल, दांत, नाखून और खोपड़ी को जब्त किया गया है। आरोपियों में झिरपा मीरकोटा के नारायण पचलिया, श्रीलाल भारती, राजेश भारती, हरिचंद ठकरिया शामिल थे, जिनके द्वारा करंट लगाकर मादा बाघ का शिकार कर उसके अवशेषों, दांत, हड्डियों, नाखूनों को घर पर और बाघ के खाल को तालाब में छिपाकर रख दिया गया, जिसके बाद वन अमले की सूत्रों से पता चला कि कुछ लोग बाघ की खाल से धनवर्षा करवाने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद वन अमले के कर्मचारी ने परिहार बन कर इन लोगों से संपर्क साधा, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसडीओ परासिया अनादि बुधौलिया, रेंजर सवारी कीर्तिवरा गुप्ता और उनकी टीम का सहयोग रहा। खास बात यह है कि इसको लगभग, जैसा कि आरोपियों ने बताया है, दिसंबर जनवरी के माह में बिजली का करंट लगा के देनवा बफर का क्षेत्र जो है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लगा हुआ, उसमें एक मीरा कोटा गांव के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और सारी इसमें पार्ट्स रिकवर हुए हैं। आरोपियों ने इन सारे पार्ट्स को अलग अलग जगह छुपा के रखे थे। हाल को उन्होंने तालाब के अंदर डाल के रखा था। जो बाकी के कैनाइंस भी हैं, नाखून हैं, हड्डियां हैं, स्कल है, इनको पेड़ों के ऊपर बांध के और कुछ जगह पत्थर की खो में छुपा के रखा था। दो हिस्से, दो या तीन हिस्से जो थे इसके, खासकर के सिर के ऊपर की चमड़ी और बाकी चीजें उनके घर में से मिली। शुरुआत वहीं से हुई थी। इसको काफी दिनों से हम लोग ट्रैक कर रहे थे मुखबिरों के द्वारा और लगभग दो महीने के अथक प्रयास से हमारी पूरी टीम, उनके कारण ये रिजल्ट आज सामने आया और आरोपियों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, कर पाए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज खजरी चौक पर एमपीबी ऑफिस के सामने समर्थकों के साथ बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में धरना दिया गया। आम जनता इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। हर व्यक्ति का बिल बढ़ के दुगना और तिगना आ रहा है और उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। ये बिजली विभाग ये नहीं बता सकता कि किसी का बिल यदि 2000 आया है तो उसके पीछे उसका क्या रीजन है, क्योंकि यूनिट की संख्या नहीं बताई जाती है, वो अनुमानित होती है। अनुमानित लगा के जिसका, जिसने यदि विरोध नहीं किया तो वो 2000 का ही बिल पटा दे या 4000 का पटा दे, उसको कम नहीं किया जाता, उसका तो बिल पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये शोषण करने का काम, यदि रीजनेबल है, जो वास्तव में उतनी यूनिट किसी की जली है, वो बिल आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो कमलनाथ जी ने योजना लागू करी थी, जैसे अभी ओक्टा जी ने बताया 100 यूनिट वाली, वो आज उसको रद्द कर दिया गया, कहने के लिए वो लागू है लेकिन बिजली के बिल सबके ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी यूनिट ज़्यादा बता दी जाती है। तो इस आधार पे हम लोगों ने आज यहाँ पर बिजली की होली जलाई है और अभी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हुआ है। यदि ये स्थितियाँ नहीं बदलेंगी, साथ में गाँव में आज बहुत से गाँवों में फीडर सेपरेशन के नाम पर जो है 10 घंटे बिजली दी जा रही है, 6 घंटा दिन में और रात में 4 घंटा, और उसमें सिंगल फेजिंग की जा रही है। बिजली विभाग को इतना नहीं समझ है कि गिरती हुई बारिश में से कौन सा किसान अभी 3 फीट बिजली को जलाएगा, और गांव के अंदर जो बिजली की कटौती की जा रही है वो तत्काल बंद की जानी चाहिए। अगर ये मुद्दे हल नहीं होंगे तो आगे आने वाले समय में हम लोग सब माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओक्टे जी के निर्देशन में सभी लोग। ग्रामीण आजीविका मिशन से संचालित महिलाओं के स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने आज संयुक्त मोर्चा द्वारा हड़ताल का समर्थन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि शीघ्र ही संयुक्त मोर्चा संगठन की मांगों को पूरा करें, जिससे वे कार्य पर वापस आ जाएं, क्योंकि आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारी भी हड़ताल पर हैं, जिससे महिला स्व सहायता समूह के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। रोजगार सहायक आजीविका मिशन के अधिकारी इन लोग जो हड़ताल करने के लिए बैठे हैं, इस चक्कर में हम लोग क्या है कि 15 दिन हो गए, हम सारी महिलाएं परेशान हो रही है, गांव से जनपद जिला जा रहे हैं, जिला से घर जा रहे हैं, हमारे
समूह की दीदियां लोग जब अधिकारी लोग से मिलने आती फोन करती है तो वो कहते हैं कि हमारा हड़ताल चल रहा है, अभी हम आपका काम नहीं सुन सकते। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वही अधिकारी हम लोग को राह दिखाते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम समूह चला रहे हैं, हमारे गांव की गतिविधियां चला रहे हैं। और अभी हड़ताल होने के कारण हम सारी दीदियां बहुत परेशान हैं, हमारे कोई काम नहीं हो रहे, ना बैंक के काम हो रहे, ना पंचायत के काम हो रहे, ना जनपद के काम हो रहे। इसलिए हम लोग ने उनको समर्थन दे रहे हैं सारी दीदियां, हम किसी के कहने में नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम उनको समर्थन दे रहे हैं। और समर्थन देकर हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आजीविका मिशन के अधिकारी जो संयुक्त मोर्चा हड़ताल में बैठी है उनकी मांगे को पूरी करें। ओम मंच पर अस्तित्व द्वारा आयोजित खेड़ा नाट्य महोत्सव में जिले की प्रतिष्ठित नाट्य संस्थाओं ने अपनी अपनी शानदार नाट्य प्रस्तुतियां दी। पूरे आयोजन के दौरान सभी संस्थाओं ने एक दूसरे का सहयोग किया। इस आयोजन में 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग ने अपने अभिनय से लोगों का मन मोह लिया। छिंदवाड़ा शहर में खेड़ा महोत्सव के आयोजन के चलते अचानक से रंगकर्म में दोबारा नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यक्रम के दौरान जिले की जानी मानी शख्सियतों का भी सम्मान हुआ। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8883951572। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज वार्ड नंबर 29 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की जन्म जयंती पर राहुल मालवीय और अर्जुन दुर्गे ने सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कक्षा पहली से लेकर कक्षा पांचवी तक के बच्चों को ड्राइंग बुक और ड्राइंग सेट देकर मुंह मीठा कराते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अभी भी हमारे हृदय में, हमारे स्मरण में आज भी जीवंत है। और मैं हमारे बीच में इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 29 के हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सबके भाई, बड़े भाई, चाचा और दादा के रूप में हमारे बीच में आए हैं आदरणीय श्री आनंद बख्शी जी, जो पूर्व कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष और अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदीप सक्सेना जी का जीवन हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी है। उन्होंने पूरे जीवन गरीब के लिए, हमारे झुग्गी वासियों के लिए, हमारे आम आदमी के लिए संघर्ष किया। साथ ही कांग्रेस में विभिन्न पदों पर वो रहे, जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उसके पश्चात में वे निगम मंडल में अध्यक्ष रहे, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रहे, उनको मंत्री दर्जा प्राप्त था। साथ ही बाद में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना दायित्व निभाया और उन्होंने विभिन्न ब्लॉकों में पर्यवेक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। प्रदीप सक्सेना जी हमको सदैव याद आते रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमको जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला रास्ता है
कर्म प्रधान जीवन जिसको कहते हैं, अस्पताल के पास किसी को खून की जरूरत हो, कोई बीमार हो जाए, किसी को दवा लगे, किसी को थाने से छुड़ाना है, किसी का घर टूट गया है, किसी को पट्टा नहीं मिल रहा है, किसी के घर में बिजली नहीं है, ऐसे सब काम करने के लिए प्रदीप सक्सेना जी का कार्यालय हमेशा खुला रहता था। हिंदू गौरव दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं द्वारा आज 5 अगस्त 2020 को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में युवाओं द्वारा भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस उपलक्ष्य में अंशुल शुक्ला, राजा राजपूत, शुभम धुर्वे, अरुण यादव, अंकित वर्मा, विकास पंद्रम, मुकेश विश्वकर्मा, अनिमेश देशवाड़े, विकास वर्मा, योगेश चौरे, नीरज नयन और अन्य बंधु मौजूद रहे। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राम लला हम आएंगे, मंदिर भाइये बनाएंगे। जो राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया, एक अहम फैसला पिछले वर्ष हुआ अयोध्या में कोर्ट के माध्यम से, और राम मंदिर के लिए एक रास्ता जो है प्रशस्त हुआ। आज उसको 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और कुछ ही मंदिर निर्माण प्रारंभ है, कुछ ही दिनों में वहाँ एक भव्य मंदिर का जो है बनने जा रहा है, जिसकी आज हम सभी यहाँ छिंदवाड़ा में जो धर्म प्रेमी बंधु हैं सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और उस ऐतिहासिक फैसले को याद करके सभी ने अपना जो है मुँह मीठा किया। और भव्य वहाँ जब राम मंदिर बनेगा तो हम सभी वहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे, पूरे छिंदवाड़ा वासी वहाँ दर्शन के लिए पहुँचेंगे, ऐसी सभी से कामना है। सौंसर नगर के वार्ड 13 में गुरुवार को साई पालकी का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक विजय चौरे, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाके, नगर कांग्रेस कमेटी अतुल जुननकर, शाहिद सिद्दीकी, संजय ठाकरे, विठल राव गायकवाड़, अनमोल अकुटकर, योगेश अड़ाव आदि थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के द्वारा बिजली विभाग के कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और विद्युत विभाग के द्वारा बिजली की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर और षड्यंत्र कर बिजली बिलों को बढ़ाकर प्रदेश की भोली भाली जनता को खुलेआम लूटा जा रहा है। यही नहीं, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट से अधिक 150 यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को योजना से बाहर करने का षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये बात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने धरना प्रदर्शन के दौरान कही। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज का देखो खेल, कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली और अगर कोई 150 यूनिट तक भी बिजली उपयोग करता तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन ये सरकार अब इस योजना को बंद कर रही है और 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को इस योजना से बाहर करने का काम कर रही है। और जो 100 यूनिट 100 बिजली है उसमें भी इनकम टैक्स पे ही या जिनके पास अधिक जमीन है या कई प्रकार की इसमें किंतु परंतु लगाकर इस योजना से करोड़ों लोगों को बाहर करने का काम कर रही है। उसी के विरोध में आज माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में हर बिजली विभाग के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन का आदेश दिया था। उसी के तहत आज जुन्नारदेव में पूरा जुन्नारदेव का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी अनुसंगिक संगठनों के द्वारा आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। बुधवार की रात कमानिया गेट के पास घायल कबूतर को खान कॉलोनी निवासी आरिफ हसन द्वारा दीपक राज जैन से संपर्क कर उन्हें सौंपा गया, जिसके बाद दीपक राज जैन घायल कबूतर को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां सहायक संचालक पशु विभाग डॉक्टर पक्षवार और उनकी टीम ने घायल कबूतर का उपचार किया। इस दौरान दीपक राज जैन कबूतर को महामंत्र श्री नमोकार सुनाते रहे। घायल कबूतर को लेकर हमारे सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर पक्षवार जी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर अपने पशु विभाग के हैं, इनके पास लेके आया। इनकी पूरी टीम ने उसका उपचार किया, काफ़ी घायल है, कहीं किसी मंजे से या कुछ से फंसकर उसके पंख भी कट गए हैं और पूरी टीम ने यहां उनका उपचार किया। मैं सर्वोदय अहिंसा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।